Good morning, children. Today we will know about Florence Nightingale. This is a very famous name. She is a nurse. Look at this. In 1854, the Englishmen were fighting a war. Sick, wounded English soldiers were sent to a hospital in Turkey. वॉट हैपेंड इन एटीन फिफ्टी फोर वॉर वॉज़ गोइंग ऑन बिटवीन इंग्लिश मैन एंड टर्की दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी इंग्लैंड और टर्की के बीच में और इंग्लिश मैन जो है वो लड़ाई में घायल हो जा रहे थे बीमार पड़ रहे थे और उनको जो है टर्की में एक हॉस्पिटल था जहाँ की लाया गया फ्लोरेंस नाइटेंगल वेंट देयर विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन टू हेल्प देम एंड फ्लोरेंस नाइटेंगल जो थी वो वहां पर एक वुमेन के ग्रुप के साथ गई उन लोगों की मदद करने के लिए ओके जस्ट लाइक अ नर्स द हॉस्पिटल वॉज इन अ पुअर स्टेट हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ही खराब थी वहां पे कुछ भी नहीं था इट डिड नॉट हैव sufficient बेड्स एंड मैनी soldiers were लेड ऑन ब्लैंकेट्स ऑन द mud इट was dirty एंड स्मेली टू वहाँ की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ सफिसियंट बेड तक नहीं थे और बहुत सारे सोल्जर्स को तो क्या किया गया था कीचड़ में रखा गया था मिट्टी में रखा गया था वहाँ बहुत ही गंदगी थी और बहुत स्मेली भी था वो हॉस्पिटल वहाँ पे पेशेंट के रहने के लायक तो बिल्कुल नहीं था फ्लोरेंस नाइट एंगल कैन सी हर इन दिस पिक्चर शी इज फ्लोरेंस नाइट एंगल फ्लोरेंस नाइट एंगल हैड द फ्लोर स्क्रब्ड एंड द ड्रेन क्लीनड तो फ्लोरेंस नाइट एंगल ने क्या किया फ्लोर को जो है स्क्रब करके साफ किया रगड़ रगड़ के और ड्रेंस को क्लीन किया शी अरेंज फॉर फूड क्लॉथ्स एंड मेडिसिन उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि लोगों के लिए फूड कपड़े और मेडिसिन भी अरेंज किए एवरी नाइट शी वेंट थ्रू द वार्ड्स कैरिंग अ लिटिल लैम्प हर दिन वो पेशेंट को देखने के लिए आती थी हाथ में एक लैम्प लेके शी टॉक् टू ऑल दोस्ट हु कुड नॉट स्लीप और वर इन पेन और वो उन सभी से बात करती थी जो सो नहीं पाते थे और जो तकलीफ में होते थे द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प और सारे सोल्जर्स उन्हें किस नाम से बुलाते थे द लेडी विद द लैम्प शी वर्क सो हार्ड दैट शी फेल सीरियसली इल और वो इतना ज्यादा काम की उतनी मेहनत की उन्होंने उस समय कि वो बीमार पड़ गई बहुत सीरियसली इल हो गई और she almost lost her life और इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई कि लगभग समझ लो कि वो उनका जो जान था वो जाने ही वाला था मतलब मरते मरते वो बची फ्लोरेंस नाइटेंगल वॉज एडवेंचरस टू और फ्लोरेंस नाइटेंगल बहुत साहसी भी थी क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए बहुत ही साहस चाहिए बहुत ही करेज की ज़रूरत है ओके चिल्ड्रन होप यू लाइक दिस स्टोरी Try to make like Florence Nightingale. Try to be like Florence Nightingale. Like my channel, subscribe it, share it with your friends, and don't forget to press the bell icon. Thank you.